IVM. नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा। आज बात क्रिकेट के मैदान के उस किरदार की करेंगे जिसके बिना आप किसी भी क्रिकेट मैच की कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चाहे हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, वनडे क्रिकेट की बात करें या T20 फॉर्मेट की बात करें, या आप बचपन में कभी क्रिकेट खेलते रहे होंगे तो वहां पर भी आप उस किरदार की कमी को हमेशा महसूस करते रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं आज विकेट कीपर्स की, कमाल के कीपर्स की आज बात करेंगे और आपको बताएंगे कि विकेट कीपर्स का जॉब क्यों थैंकलेस जॉब माना जाता है क्रिकेट के मैदान पर, और अगर अच्छा विकेट कीपर आपके पास नहीं है तो फिर आप मैच जीतने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बड़ा बदलाव जरूर वर्ल्ड क्रिकेट में देखने को मिला। 70, 80 और 90 के दशक में एक अच्छा विकेट कीपर टीम ढूंढती थी जो अच्छी बल्लेबाजी कर ले। अब शायद समय बदल चुका है, अब एक ऐसा खिलाड़ी टीमें ढूंढती है जो बल्लेबाजी अच्छी करता हो और साथ में विकेट कीपिंग अच्छी करता हो। तो ये एक बड़ा बदलाव है और इस बड़े बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ निखिल भाई हैं और सभा हैं, इनसे हम जानेंगे कि उनके समय के जो कमाल के विकेट कीपर्स थे उनमें क्या कुछ खासियत रही है। भारत के टॉप 5 विकेट कीपर्स के बारे में भी बात करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से। और सभा भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। ये जो विकेट कीपर्स के बारे में कहा जाता है कि थैंकलेस जॉब है, अब क्योंकि आप विकेट कीपर रहे, आपको कभी किसी ने थैंक यू नहीं बोला होगा, कैच छोड़ने पे जरूर होट हिलते आपको दिखाई पड़े होंगे, अब उस होट हिलने के पीछे क्या कुछ कहानी रहती है तो आपसे बाद में जानेंगे। लेकिन ये जो एक कहावत है जो हमेशा चर्चा में रहती है कि विकेट कीपर का जॉब थैंकलेस जॉब होता है, ये क्यों कहा जाता है? राजीव, मुझे लगता है कि ये जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है थैंकलेस, इस वजह से है कि एक विकेट कीपर जो है, अगर आप 90 ओवर की कीपिंग कर रहे हैं होल डे, वहां पे करीब आप 350 से ऊपर की गेंदे जो है आपके पास आ रही है, फिर आपको पकड़ने के लिए उसकी तैयारी करनी होती है। और वहां पर आपने सपोज कीजिए कि 300 गेंदे पकड़ ली और उनमें से आपने 10 कैच भी पकड़ लिया हो, पर अगर आपसे एक कैच या एक स्टंपिंग छूट जाती है तो फिर वो 10 कैच जो आपने पकड़ा है या फिर 10 विक्टिम जो आपके नाम आए हैं उस पूरे दिन भर में, उसको कोई याद रखता नहीं है। पर अगर आपने एक कैच छोड़ दिया और वो कैच महंगा हो गया, वो बल्लेबाज जो है उसने बड़े रन बना दिए, फिर सारी की सारी जो उंगलियां हैं वो आपकी तरफ उठने लगती हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि कहा जाता है कीपर का जो प्रोफाइल है हमेशा से थैंकलेस रहा है। पर राजीव, मुझे लगता है वो परिभाषा बहुत कुछ बदल रही है, क्योंकि अब जो कीपर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बल्लेबाजी के साथ भी। तो अगर आपकी तो मुझे लगता है कि अब जो आपके कलीग्स हैं या जो क्रिटिक्स हैं वो अब उस तरह से आप पर उंगलियां नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि एक विकेट कीपर की जो परिभाषा है वो एक ऑलराउंडर की परिभाषा अब हो गई है। अब आपके पास दो स्किल्स हैं अपने आप को एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस में परिवर्तन लाने के लिए या फिर उस प्रकार के इम्पैक्ट दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि इस प्रकार के चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एक विकेट कीपर के प्रोफाइल में। निखिल भाई, अगर विकेट कीपर का किरदार ना हो तो शायद क्रिकेट ही अधूरा है। विकेट के पीछे आप मतलब इमेजिन करें, एक अलग अलग एराज में मैं कभी पिक्चर देखने जाता हूं तो विकेट कीपर्स के पैड्स, वो ग्लव्स, और आज के दौर में जो क्यूपेंट्स आ गए, लेकिन इस किरदार को हमेशा थैंकलेस जॉब की तरह देखा गया। जैसे मैंने सभा भाई से पूछा, आपने कभी किसी विकेट कीपर को थैंक यू कहा है कभी, या होट बुदबुदाए अक्सर? हमेशा अब्यूज ही किया होगा इसने भी। मैं बताता हूँ, पहले आपके सवाल का जवाब देने पहले राजीव भाई, मैं सभा भाई से पूछना चाहूंगा, सभा भाई ये सारे विकेट कीपर इतने शरारती क्यों होते हैं? सिवाय मुझे छोड़ के निखिल। निखिल, मुझे तो याद है कि मैं जब अपील नहीं करता था, बॉलर अपील करता था तो बॉलर वापस आते, अरे तुम क्यों नहीं अपील कर रहे हो? मैं कह रहा भाई आउट नहीं है तो क्यों अपील करूं? पर मैं आपको राजीव भाई बताता हूँ और सभा भाई को भी बताए, मैं बतौर गेंदबाज और सभी स्पिनर्स को हमेशा यही सलाह देता था कि आपकी टीम में आपका बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो विकेट कीपर होना चाहिए। और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जब बतौर स्पिनर आप बॉल डाल रहे होते हैं तो आपको तुरंत पीछे से ना फीडबैक आता है कि किस गति पे आप बॉल डाल रहे हैं, अगर ज्यादा तेज डाल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, ये बैट्समैन के लिए थोड़ा सा और दूर रखिए, थोड़ा सा और हवा में लटकाइए। तो वो पीछे से योगदान जो आता था, जो कॉन्ट्रीब्यूशन आती थी, की सलाह आती थी, आपको तुरंत अगली बॉल पे सुधार करने में मिलता था। और तो वो विकेट चटकाने में ना वो बहुत फायदेमंद रहता था, बहुत मदद रहता था। और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि ये थैंकलेस जॉब इस समय अब शायद ना हो, लेकिन पहले इसलिए भी होता था
कहते थे भाई अगर विकेट कीपर ने दस्ताने पहने तो सब कुछ तो पकड़ेंगे, तो विकेट कीपर जो है बाकी कोई भी बाकी 10 खिलाड़ी मैदान में कैच छोड़ सकते हैं कि चलो भाई गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन विकेट कीपर गलती नहीं कर सकता था तो वो बड़ी दिक्कत का एक मसला होता था, क्यों? क्योंकि उन्होंने दस्ताने पहने होते थे तो। पर ये खैर अब अच्छी बात है कि अब जैसे सभा भाई ने कहा कि अब बल्लेबाजी से योगदान करके अब आपको अगर टीम में खेलना है, भारतीय टीम में खेलना है, आईपीएल के लिए खेलना है, तो आप सिर्फ विकेट कीपिंग की कला की वजह से नहीं खेल सकते, आपको कहीं ना कहीं योगदान देना है। और T20 का फॉर्मेट आपको वो कहता भी है कि 120 गेंदों के फॉर्मेट में आप और किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उस लिहाज से आपको विकेट कीपर बैट्समैन, बैट्समैन विकेट कीपर दोनों तरफ लेके चलना होता है, तभी आप टीम में कंसिस्टेंटली खेल पाएंगे और कहीं ना कहीं फर्क टीम में डाल सकते हैं मुकाबले जिताने के लिए। जी, तो थोड़ा पीछे के टाइम पे जाए, यानी कि 70-80 के दशक या 90 के दशक की बात करें सभा भाई, उससे पहले एक सवाल ध्यान में आता है कि अनिल कुंबले के खिलाफ आपने विकेट कीपिंग की और उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी गेंद पे कैच छोड़ना मतलब क्राइम था, अगले 2-3 दिन आप मैदान पे क्या ड्रेसिंग रूम में भी सामने नहीं पड़ सकते। कोई इंसिडेंट बताया ना अनिल कुंबले, क्या वाकई बहुत टफ था उनको विकेट कीपिंग करना, खास तौर से जहां थोड़ा सा वेयर एंड टेयर हो विकेट पे? मुझे लगता है कि नॉर्मल विकेट पे भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था अनिल को कीपिंग करना, और वो इस वजह से था क्योंकि वो मैसिव लेग स्पिनर थे नहीं, उनका जो एक्शन था जिस तरह की वो गति से बॉल डालते थे, जनरली उनकी जो गेंदें वो गिरने के बाद अंदर आती थी, मुझे लगता है कि लास्ट फेज उनका जो करियर का था वहां पर उनकी बॉल थोड़ी बहुत टर्न करने लगी या फिर गिरने के बाद वो सीधी आने लगी, पर उनके पास जो एक्स्ट्रा बाउंस की जो एबिलिटी थी उसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज होता था कीपर्स के लिए। पर देखिए मुझे हमेशा से ये लगता है कि अगर आपकी पोजीशन सही हो और अगर आप ठीक प्रकार से विकेट को भाप लेते हैं, विकेट की स्पीड को भाप लेते हैं, विकेट के बाउंस को भाप लेते हैं, तो फिर आपके ग्लव्स भी सही जगह पर रहते हैं। और अनिल कुंबले के सामने ये बहुत जरूरी होता है किसी भी कीपर को बहुत जल्दी ये सारी चीजें भाप लेना। चैलेंजिंग जरूर था, बहुत ज्यादा मजा आया, मुझे खुशी इस बात की है कि अनिल कुंबले के सामने मैंने कोई भी ना तो कैच छोड़े और स्टंपिंग छोड़ा है इसी वजह से। क्या वाकई बहुत एग्रेसिव नेचर था और विकेट कीपर के लिए उतना आसान नहीं था सवा, ये सही है? एग्रेसिव नेचर जरूर था पर कीपर के लिए कोई परेशानी थी नहीं, क्योंकि जैसे कि निखिल ने कहा कि अनिल के साथ अगर आपको सही कॉम्बिनेशन है तब आपको बहुत मजा आता है कीपिंग करने के लिए, तब आप तो आपको पता चल जाता है कि इस बल्लेबाज को किस तरह की गेंदबाजी कर रहा है, कौन से लेंथ पर कर रहा है, कई बार तो डाउन द लेग साइड कर देते हैं जानबूझ के क्योंकि स्टंपिंग का मौका मिल जाए। मुझे याद है एक अंतरराष्ट्रीय मैच था वेस्टइंडीज का, वहां पर नंबर 7 नंबर 8 को कोई खिलाड़ी खेल रहा था, नाम मुझे याद नहीं है, बहुत पहले ओवर के पहले उन्होंने ये कह दिया था कि ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फॉल ओवर कर रहा है, इसको मैं डाउन द लेग साइड डालूंगा, आप तैयार रहना। तो मैं पहले से ही तैयार, तो काफी आसानी हो गई अंत में वहां पर स्टंपिंग करने में। तो इस तरह का तालमेल अगर आपके साथ बैठ जाता है अनिल कुंबले का तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी हो जाती है कीपिंग करने में। निखिल भाई कुछ बता रहे थे आप अनिल कुंबले और विकेट कीपर्स की कहानी। कहानी नहीं, मैं तो आप सबको मतलब जो देखेंगे और जो सुनेंगे उनके एक बड़ा एक नेचुरल सा मोमेंट होता था, जैसे बैट्समैन बीट होता था या पीछे विकेट कीपर की तरफ गेंद जाती थी, दोनों हाथ हवा में और फिर वो अपनी कलाई पकड़ लेते थे, दोनों ऐसे उठा करके अरे पकड़ तो सही यार। और अनिल भाई के लिए विकेट कीपर तो छोड़िए, आउटफील्ड में भी गेंद होती थी ना, चाहे 40 गज दूर हवा में गिर रही हो, वो कहते थे अरे पकड़ो तो सही, क्या अनिल भाई पहुंच तो जाओ या कहीं सुपरमैन कहीं रॉकेट लगाए तो पहुंचे। सभा भाई चलिए पीछे जाए, लेकिन वो इंसिडेंट हमारे जो हमारे श्रोता है दर्शक वो जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको जब चोट लगी उसके बाद से कीपर्स ने हेलमेट पहनना शुरू किया, ये एक बड़ा चेंज था और उसकी वजह आप थे, क्योंकि आपको बहुत सीरियस इंजरी हुई थी उस समय बांग्लादेश में जब अनिल कुंबले का बॉल आपको लगा था, क्या एक्चुअली हुआ क्या था सभा भाई, वो बाउंस ज्यादा आप थे वहां पे निकल भाई तब? देखिए वो हम लोग एशिया कप का पहला मैच खेल रहे थे बांग्लादेश के विरुद्ध, जो कि ढाका के बंगा बंधु स्टेडियम में खेला जा रहा था, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, डे नाइट इनकाउंटर था, एक साझेदारी उनके ओपनिंग बल्लेबाजों की बन गई थी, मुझे लगता है कि 6 या 7 ओवर खत्म हो गए थे तब तक। उनका एक ओपनर था जावेद करके, निखिल तुमको भी याद होगा ना, जावेद उमर करके को एक जावेद उमर जी ओपनिंग बल्लेबाज था। तो जैसा कि होता है कि जैसे एक पार्टनरशिप हो जाती है तो पावर प्ले में ही अनिल कुंबले को लगा दिया जाता था, तो उस समय अनिल कुंबले को लगाया, सौरभ था कैप्टन,
और मुझे लगता है कि वो जो जिस बॉल पे मुझे चोट लगी वो मैं थोड़ा बहुत ब्लाइंड हो गया था गिरने के बाद, जैसे कि मैंने कहा कि बॉल अनिल कुंबले के अंदर आती है और वो जो जावेद उमर जो बल्लेबाज था राइट हैंड ओपनिंग बैट, उसने लाइन को कवर करके उसको ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी और उसके राइट का जो पैड का जो फ्लैप होता है ना वो उस फ्लैप में बॉल लगी और उसके बाद वहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सीधी मेरे चेहरे की तरफ आ गई। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है कि आप ट्राई करते हैं अवॉइड करने के लिए, तो मैंने वही करने की कोशिश की, पर चूंकि मुझे लगता है कि पैड में लगने के बाद हो सकता है कि गति ज्यादा बढ़ गई होगी, उसको मैं अवॉइड कर नहीं पाया और सीधा पता नहीं कैसे वेरी अनफॉर्चुनेट बॉल जो है वो आई के सॉकेट में लगी मेरे आंख में राइट आई में। जनरली जो आपका कर्वेचर देखते हैं आंख और चीक बोन का, वहां पर अगर बॉल लगती भी है तो आंख को आंख पे टकराती नहीं है क्योंकि बॉल की जो का जो डायमेंशन होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। और इस बार मुझे लगता है चूंकि मैंने अपना सर पीछे कर लिया था बॉल को अवॉइड करने के लिए, बॉल यहां से जाकर मेरे सीधे राइट आई में लगी और वहीं उसी में मैं गिर सा गया, बहुत जोर की चोट भी लगी थी। तब फिर निखिल, मुझे याद है निखिल एंड्रयू लिपस थे, सब लोग आए मैदान पे, फिर मुझे वापस ले गए और उस समय मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी ज्यादा गहरी चोट है क्योंकि मैं खुद, मुझे याद है कि मैं वॉक करके गया था वापस ड्रेसिंग रूम में। उसके बाद धीरे धीरे करके वो एंड्रयू लिपस हमारे फिजियो थे, उन्होंने मेरे राइट आई को बंद करके रखा। फिर करीब एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद जब उसको हटाया गया तो एंड्रयू ने पूछा मुझसे कि आपको कुछ नजर आ रहा है। पर ये देखिए अजीब सा इत्तफाक है कि जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अपनी दोनों आंखें खोली और मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। तो एंड्रयू को मैंने कहा कि मुझे तो नजर आ रहा है। तो ही सेड, आर यू श्योर साहब? आई सेड यस। ही सेड ओके, डू वन थिंग, यू शट योर लेफ्ट आई एंड ट्राई एंड सी फ्रॉम योर राइट आई। तो मैंने वही किया, जब मैंने अपनी बाई आंख बंद की जो मेरी गुड आई थी और जब राइट आई खोल के उससे देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, सारा का सारा अंधकार था, ना तो एक भी लाइट मुझे नजर नहीं आ रही थी, कुछ भी कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तब एंड्रयू लिपस ने कहा कि ये चोट आपकी गहरी है और हमें आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो फिर मैं जो आई हॉस्पिटल था बांग्लादेश में, वहां ढाका में, वहां पर हम लोग गए। फिर वो एक अलग कहानी है कि रात भर मुझे मेरे राइट आई को और लेफ्ट आई दोनों को बंद कर दिया गया। आपको एयरलिफ्ट किया गया था सुबह कलकत्ता? नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग कमर्शियल फ्लाइट से मैं कलकत्ता आया। फिर कलकत्ता में मैंने एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट को दिखलाया। फिर उसी शाम मैं शंकर नेत्रालय चेन्नई गया, जहाँ पर उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट हुआ। निखिल भाई कुछ बता रहे थे अब इसी घटना से जुड़े। वो मुझे याद है, रात में मैच खत्म होने के बाद जब होटल गए तो हम लोग, मेरे ख्याल में कपिल पाजी भी साथ थे, हम लोग होटल के कमरे में भी नहीं गए, हम लोग टैक्सी में बैठे और सीधा हॉस्पिटल गए थे। मुझे याद है सरोबाई को अस्पताल देखने गए थे और देखा था, और वहां पे सरोबाई की दोनों आंखों पे पट्टी बांध के रखी थी ताकि वो एक वो प्रेशर कम होए, डी कंप्रेस किया जाए। मुझे याद है उस समय वो खाना खा रहे थे, फिर कुछ आई थिंक आइसक्रीम आई थी तो हमने उनको खिलाई थी, बट दोनों आंखों में पट्टी देख के ना, मतलब आप तो मैं सौरभ भाई को बता सकता हूँ, मैं डर गया था क्योंकि सौरभ भाई जब खेल भी रहे थे टीम में तो मैं इनके बड़ा क्लोज था, हम लोगों की बड़ी अच्छी चलती थी, इसलिए मैं कहा नहीं मैं देखने जाऊंगा सौरभ भाई को रात में। और फिर अगले दिन पता चला कि ये कलकत्ता गए, कलकत्ता से बोला नहीं जी इनको फिर वहां जाना है चेन्नई, उसके बाद एक सर्जरी हुई। बट उस दिन के बाद से ये याद हुआ कि विकेट कीपर को हम लोग सब कहते हैं कि भाई कितना एक उनका मुश्किल कार्य भी होता है, क्योंकि बहुत सी बारी हम लोग रियलाइज नहीं करते, जैसे सभा भाई ने कहा कि जब ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है वो 5.5 औंस की गेंद जो है वो जब 22 गज की दूरी पे आ रही होती चाहे 90 किलोमीटर प्रति घंटे पे, तो उस गेंद का ना भार और बढ़ जाता है। इसीलिए मतलब विकेट कीपर है या कभी भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं, तो बहुत जरूरी कि वो 5.5 औंस की गेंद को आप हल्के में नहीं लीजिए। और उसके बाद फिर सभाई की चोट के बाद आप देखिएगा एक ट्रेंड चालू हो गया था एक तरीके से, हर विकेट कीपर विश्व का चाहे स्पिनर गेंदबाजी क्यों ना कर रहा वो हमेशा हेलमेट पहनने लग गया और फिर वो चश्मे पहनने लग गए, फिर दिनेश कार्तिक एक वो सामने से वाइजर बेसबॉल वाले, वो फिर सबको समझ में आया वो बचाव जी, वो बचाव होना भी बहुत जरूरी है जी। वाह, चलिए थोड़ी क्योंकि विकेट कीपिंग की कहानी की बात हो रही है और कीपर्स हमारे कमाल के कीपर्स रहे हैं हमारे देश में। सभा भाई पहले की अगर हम बात करें तो विकेट कीपर का जॉब यानी विकेट कीपर का जॉब होता था, बल्लेबाजी का प्रेशर नहीं था। जहां तक मुझे याद आ रहा है फारूक इंजीनियर के समय से मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था,
फारूक इंजीनियर एकमात्र उस टाइम पे ऐसे विकेट कीपर थे जो बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते थे, और उनका स्ट्राइक रेट में पड़ रहा था टेस्ट क्रिकेट में 137 का स्ट्राइक रेट था जिस अंदाज में वो बैटिंग करते थे। उसके बाद फिर सैयद किरमानी, बूदी कुंदरन, फिर एक लंबा दौर आया जहां पे विकेट कीपर्स की बात हुई। क्या बड़ा बदलाव देखते हैं? पहले के विकेट कीपर सिर्फ विकेट कीपर थे, आज के विकेट कीपर बल्लेबाज है और विकेट कीपर है। विकेट कीपर पहले नहीं है, बल्लेबाज है, देन विकेट कीपर है। कैसे आप देखते हैं और ये बदलाव आया क्यों? क्या समय की डिमांड थी, फॉर्मेट बहुत ज्यादा आ गई इस वजह से? कैसे आप देखते हैं इसको? कई सारे फैक्टर्स है राजीव। उस जमाने में अगर हम देखेंगे तो जितने बड़े बड़े विकेट कीपर्स थे, आपने फारूक इंजीनियर का नाम लिया, एलन नॉट हो गए, बॉब टेलर हो गए, रॉडनी मार्श हो गए, उसके पहले भी गॉडफ्रे एवेंस हो गए, जितने बड़े बड़े कीपर्स आए, इन सबका जो पहला काम था वो था विकेट कीपिंग। अगर आप अच्छी कीपिंग नहीं करते हैं तो फिर आपकी जगह 11 में बनती नहीं। हाँ, बल्लेबाजी जरूरी जरूर था, पर एक सपोर्टिव रोल की तरह आपको निभाना होता है। जिस तरह से हम लोग टेल एंडर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा, कुछ उसी प्रकार का प्रोफाइल था। इयन हीली को आप याद कर लें, इयन हीली की विकेट कीपिंग, मेरे हिसाब से, मेरे विचार में इयन हीली से बड़ा कीपर अभी तक कोई नहीं हुआ है, पर उनकी बल्लेबाजी में वो कॉन्ट्रीब्यूट करते थे, पर वो एक सपोर्टिव रोल की तरह ही किया करते थे। फारूक इंजीनियर का सही नाम लिया आपने, वो एक तरह से मुझे लगता है कि एक टॉर्च बेरर थे एक विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए भारत में, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी भी की, ओपनिंग भी किया इंडिया के लिए, कई सारे कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिए, यूजफुल रन उन्होंने बनाए। पर उसके बावजूद जो एक तरह का रोल था वो 7 या 8 नंबर पर एक विकेट कीपर आ जाए, अगर उनके साथ साथ कोई रेगुलर बल्लेबाज खेल रहा है तो आप उसको सपोर्ट कर दीजिए, अगर आप एक्स्ट्रा रन बना दीजिए तो अच्छी बात है। इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बल्लेबाजी खराब करते थे। आप एलन नॉट का देख लीजिए, एलन नॉट ने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है, और हमेशा से ये माना जाता था कि विकेट कीपर एक बेहतरीन विकेट कीपर है, पर उसकी बल्लेबाजी जो है वो गट्सी होनी चाहिए। हमेशा से वो बहुत ही गट्स और करेज के साथ बल्लेबाजी करता था। ये कहा जाता था कि वो एक थॉर्न है हमेशा एक टीम में, उसको आउट करना उतना आसान नहीं है क्योंकि वो फंस के खेलता है। पर धीरे धीरे ये रोल बदलता गया है, उसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा है राजीव, मुझे लगता है ये वनडे फॉर्मेट। जब से वनडे इंटरनेशनल शुरू हुआ है, वहां से टीमों को एहसास होने लगा है, कप्तान को, कोचेस को एहसास होने लगा है कि अब एक विकेट कीपर को एक बल्लेबाज के साथ भी बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट करना जरूरी है, तभी वो टीम को और ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। और तब से मेहनत करना शुरू किया है कोचेस ने, या फिर विकेट कीपर ने खुद इंडिविजुअली अपने बल्लेबाजी के ऊपर, उनको लगने लगा कि अगर मैं अच्छे रन भी बनाऊंगा तब मेरी जगह भी पक्की हो जाएगी और मैं एक मैच विनर के रूप में सामने आ सकता हूं अपनी टीम के लिए। और इसी वजह से इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है निखिल भाई। और पहले की बात करें तो टेल कीपर के आने के बाद टेल शुरू हो जाती थी, अब ऐसा नहीं। अब कीपर आते हैं तो मतलब अभी भी मैच जीतने की संभावना बनी है। ये भी एक बड़ा फर्क है कीपर्स की कहानी में। 70, 80 और 90 की शुरुआत के दशक की अगर हम बात करें तो कीपर्स आए मतलब टेल शुरू गई है और आप विकेट निकालने की स्थिति में ज्यादा रहते हैं उस समय। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो धीरे धीरे ट्रेंड चेंज भी होता रहा। एक बतौर गेंदबाज आप हमेशा कहते थे कि विकेट कीपर आया, अमूमन आप देखते थे उनको 7 या 8 नंबर पे आके बल्लेबाजी करते थे कि अगर इनको आउट कर लेंगे तो अब यहाँ से जो है वो अब टेल चालू हो जाएगी, फास्ट बॉलर आ जाएंगे, स्पिनर्स आ जाएंगे या स्पिनर आगे फिर फास्ट बॉलर आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बतौर बल्लेबाज सवाभाई के बाद मैंने किसी और विकेट कीपर को जो देखा था बल्लेबाजी करते हुए, वो महेंद्र सिंह धोनी हैं जो बतौर सलामी बल्लेबाज आते थे, सवाभाई सफेद बॉल की क्रिकेट में ओपन किया करते थे, फिर उन्होंने अपना रोल चेंज किया और मुश्किल जगह पे आके बल्लेबाजी करने लगे। सफेद बॉल की क्रिकेट में आप जब 6 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं या 5 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं तो मध्यक्रम को और फिर वो अंतिम ओवर्स में बल्लेबाजी करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमेशा ये आप आस्किंग रन रेट होते हैं, दिन अच्छे चल रहे हो तो आपको कुछ गेंदें खेलने को मिलेंगी, नहीं तो आप हमेशा 70 पे 5 होगा तब बल्लेबाजी करने को मिलेगा, हमेशा दबाव वाली स्थिति में आपको बैटिंग करने को मिलता है। तो वो क्रिटिकल पॉइंट जो है बल्लेबाजी करने का वो अमूमन देखते थे कि विकेट कीपर करता था, तो वो एक गेम चेंजिंग वाला मोमेंट रहता था कि आपके हाथ में दस्ताने हैं मैदान में, तब दबाव है कि हर गेंद को पकड़ना है और जब बल्लेबाजी करना है तब मुकाबला अलग जिताना है। पर राजीव भाई, मैं चाहूंगा सवा भाई से एक सवाल पूछना क्योंकि खुद ये विकेट कीपर है। सवा भाई, एक अच्छे विकेट कीपर की दस्तानों के काम की परिभाषा क्या है और उसको किस तरीके से नापा जाएगा? एक जो मूल बात है निखिल वो यही है कि अगर आप एक अच्छे कीपर, आप किस, आपका बेंचमार्क क्या होना चाहिए, और ये एक मुझे बहुत ही शानदार
एक सेंटेंस याद आता है और बड़ा ही अच्छा कोट है ये, इट इज नॉट हाउ मेनी यू टेक, इट इज हाउ फ्यू यू मिस। और मैं यंग कीपर्स को हमेशा ये कहता हूँ कि हमेशा एक एक मैच में कीपिंग करने के बाद या एक दिन कीपिंग करने के बाद अपने आप को एसेस करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, वो भूल जाओ कि आपने कितने कैचेस पकड़े हैं, कितने स्टंपिंग्स आपने किए हैं, आप ये देखिए कि आपने कितने कम छोड़े हैं। और जैसे जैसे आपकी छोड़ने की जो संख्या वो कम होती जाएगी, इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ है विकेट कीपिंग वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पर ये कहना आसान है, करना बहुत ज्यादा कठिन है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी बेसिक सही होनी चाहिए, आपका फुटवर्क सही होना चाहिए, आपकी हेड पोजिशनिंग सही होनी चाहिए, आपकी ग्लव वर्क सही होनी चाहिए। और इन सब एरियाज पे अगर आप काम करेंगे तभी जो मैंने बताया है उस पर आप अमल कर सकते हैं। और कई बार हम लोग गलती ये कर देते हैं कि हम लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो कीपर बहुत, इसने इतने सारे कैचेस पकड़ लिए, अरे उसने कैचेस इसलिए पकड़े क्योंकि उसके पास कैचेस आए, और ये तो काम बॉलर ने करवाया है, इसमें तो कीपर का कोई लाभ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास कैच, जितने कम कैचेस या स्टंपिंग आप छोड़ेंगे उसी से वहीं से आपकी परिभाषा शुरू होती है एक अच्छे कीपर की। और यही बहुत बड़ा अंतर है, अगर मैं उदाहरण लूं एमएस धोनी में या फिर दिनेश कार्तिक में, अगर आप दिनेश कार्तिक को देखेंगे निखिल और राजीव, तो दिनेश कार्तिक टेक्निकली अगर देखा जाए तो उनकी कीपिंग बहुत लाजवाब रही है, पर वो टीम से बाहर क्यों हुए, एक बहुत बड़ा कारण था कि वो बल्लेबाजी से उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, और दूसरा कारण ये भी था कि वो कैचेस तो कई सारे पकड़ लेते थे या फिर स्टंपिंग भी करते थे, पर उनकी छोड़ने की भी जो संख्या है ना वो थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी। और मुझे लगता है इसी वजह से चयनकर्ताओं को ये लगा कि एमएस धोनी एक ज्यादा अच्छा विकल्प है। एमएस धोनी हालांकि वो टेक्निकली उतने करेक्ट नहीं है, पर वो छोड़ते बहुत कम थे, और उसके साथ साथ उनके जो बल्लेबाजी वो बहुत बड़ा फैक्टर काम आया एमएस धोनी के कॉन्ट्रीब्यूशन में। और एक और बात है राजीव, यहाँ पे मुझे लगता है कि एडम गिलक्रिस्ट ने बहुत बड़ा काम किया है विकेट कीपर्स के लिए। एडम गिलक्रिस्ट ने जब से उनकी एंट्री हुई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, सब लोगों को ये लगने लगा कि ये विकेट कीपर है जो मैच जिता सकता है अपने बल्लेबाजी के दम पर, और वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ये जिस तरह से चेंज हुआ है एनवायरमेंट यहाँ पर विकेट कीपर्स का। उसके बाद से सब कीपर्स को ये लगने लगा है कि अब मैं कीपिंग के साथ, कीपिंग के दस्तानों से ही नहीं, पर एक बल्ले के साथ मैं अपने टीम को मैच जिता सकता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा अंतर मुझे लगता है देखने को मिला है। तो चाहे वो एमएस धोनी हो, दिनेश कार्तिक हो, या फिर इस समय ऋषभ पंत हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आप देख लीजिए एडम गिलक्रिस्ट के बाद फिर ये बीजे वॉटलिंग हो गए, या फिर एलिस्टे कुक हो, माफ कीजिएगा, ये जॉस बटलर हो गए, इतने सारे कीपर्स आए जिनको ये लगा कि वो एक बल्लेबाज के रूप में भी अपने टीम को मैच जिता सकते हैं। लेकिन निखिल भाई, मुझे लग रहा है जो सभा भाई कह रहे हो उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूं कि 80 के दशक में एक्चुअली विकेट कीपर वो आने लगे थे जो बैट से भी मैच जिता रहे थे। मैं मुझे याद आता है जेफरी डुजॉन जो काम वेस्ट इंडीज के लिए करते थे, बहुत मैचेस जीता है, बहुत शानदार बल्लेबाज थे, स्पिन गेंदबाजी बहुत अच्छा खेलते थे। फिर डेव हॉटन एक नाम आता है जिम्बाब्वे के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया एज अ बैट्समैन, उन्होंने बहुत मैचेस जीता है। वायने फिलिप्स एक ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपिंग बैट्समैन है। तो ये 80 के दशक से आपको लग रहा है वो जरूरत बढ़ गई थी कि विकेट कीपर रन बनाना शुरू करें, कंट्रीब्यूट करें, सिर्फ विकेट कीपर के जॉब के तौर पर शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी तब टीमें। तभी आप देखें जेफरी डुजॉन की एंट्री हुई, भले कि डेरिक मरे ने दो वर्ल्ड कप खेले और जीते भी वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन ये जो एरा शुरू हुआ कि बैटिंग आनी चाहिए, वो आपको लग रहा है 80 के दशक से वो डिमांड एंड सप्लाई वाला काम शुरू हो गया था कि डिमांड थी टीम की कि विकेट कीपर रन बनाए, कंट्रीब्यूट करे, और वो सप्लाई उनको मिलना शुरू हो गई। जी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे तो आमूमन देखा था कि विकेट कीपर की बल्लेबाजी उस समय पे आ रही थी कि जब सेकंड न्यू बॉल ड्यू हो जाता था जी, लगभग टेस्ट मैचेस में तो नया बॉल खेलना आना भी चाहिए था। तो विश्व भर के चयनकर्ता जो अपनी अपनी टीम के लिए चयन कर रहे थे, तो फिर वो देखने लगे कि उनके पास उनके देश में ऐसे कौन से विकेट कीपर बैट्समैन बतौर विकल्प के हैं जो नया बॉल भी खेल सकते हैं, जिनमें जो कला है, आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में ले लीजिए, चाहे आप वेस्ट इंडीज में ले लीजिए, भारत न्यूजीलैंड के भी निखिल भाई कीपर थे, यान स्मिथ थे जिन्होंने शतक लगाया था और वर्ल्ड कप जी, वो मुझे याद है एडम परोरे भी होते थे, वो भी बल्लेबाजी करते थे। तो फिर वो विकल्प ढूंढने लग गए कि कौन से विकेट कीपर हैं जो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं या जिम्मेदारी निभा सकते हैं, क्योंकि आमूमन देखा जाता था यानी कॉम्प्रोमाइज शुरू हो चुका था तब कि आप ठीक है विकेट कीपर अगर औसत है, बल्लेबाजी अच्छी कर रहे तो आप आ सकते हैं टीम में। ब्रैंडन मैकलम निखिल, ब्रैंडन मैकलम जी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि भाई आपकी विकेट कीपिंग की स्किल्स जितनी भी हो लेकिन आपको बल्ले से योगदान या
अपने आप को इतना प्रदर्शन करना है कि आप वहां पे टीम को या एक और आपके साथ जो लोअर मध्यक्रम का बल्लेबाज है उसके साथ आप एक साझेदारी कर सके, क्योंकि नहीं तो अमूमन होता था एक लोअर मिडल ऑर्डर का बैट्समैन होता था और अगर विकेट कीपर अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर रहा होता था तो फिर वो तुरंत टेल स्टार्ट हो जाती थी, फिर ये कहते थे कि इनकी टेल या इनका लोअर मिडल ऑर्डर बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। तो उसी समय से वो चालू हुआ कि किस तरीके से जब तक विकेट कीपर की बल्लेबाजी भी आती है तो उनको नया बॉल हैंडल करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ना सभा भाई, विकेट कीपर्स को एक और रोल दिया गया 90 के दशक में पिंच हिटर का। हमने कई ऐसे विकेट कीपर देखे जिनको पिंच हिटर के तौर पे नंबर 3 पे पारी की शुरुआत कराई गई, कई ऐसे थे विकेट कीपर्स जो बहुत सक्सेसफुल भी हुए पिंच हिटर के तौर पे। ये क्या, ये भी डिमांड एंड सप्लाई का था या विकेट कीपर को बलि का बकरा बनाया जाता था कि आप चाहे नंबर 3 पे आउट हो गए तो कोई बात नहीं, मीन्स ये कि विकेट कीपर की जो बल्लेबाजी को नंबर्स मिलने चाहिए शायद वो उतना नंबर मिलते नहीं थे, इस वजह से उनको ऊपर भेजा जाता था और ठीक है आउट हो गए तो कोई बात नहीं वाला मामला था। नहीं, मुझे लगता है राजीव के वो जो चेंज इस वजह से आया है क्योंकि टीमों को ये लगने लगा कि नंबर 7 पर अगर कोई कीपर आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए तो हो सकता है वो उतना इक्विप ना हो डेथ ओवर्स में बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए, क्योंकि तब जो फील्ड है पूरी तरह से फैला दी जाती है, वहां पर उतना आसान होता नहीं है बाउंड्रीज निकालना। और तो टीमों को या कप्तानों को ये लगने लगा कि नंबर 7 पर अगर मेरा कोई रेगुलर लोअर मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज खेलेगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह से वहां पर आकर रन बना सकता है, और फिर टीमों को ये लगने लगा कि आप कीपर्स को तो बाहर रख नहीं सकते, उनको खिलाना जरूरी है, तो क्या हम उसको इस तरह से प्रिपेयर करें ताकि वो ओपनिंग बल्लेबाज करे, ताकि फील्ड अंदर रहती है 30 yard का सर्कल बना रहता है, वहां पर ओवर द टॉप ओवर द फील्डर्स वहां पर रन वो बना सकता है। और इसी वजह से ये परिवर्तन देखने को मिला है और इसमें कई सारे कीपर्स को बहुत सारी सफलताएं भी मिली है। और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि टॉस बेयरर रहे एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने शुरू किया, फिर अपने यहाँ से नयन ने कई बार एक पिंची का रोल निभाया, फिर योर्स ट्रूली सवा करीम ने भी कई बार वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध वो निभाया, इतना सक्सेस मिला ये कहना बहुत मुश्किल है। पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कारण था, सबको ये लगने लगा कि अंत में आकर बल्लेबाजी करना ज्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि कीपर के पास नॉर्मली माना जाता था कि उतना पावर वो पावर हिटिंग नहीं कर सकते हैं और उनका सही इस्तेमाल तभी होगा अगर वो आए ओपन करने के लिए और वहां पर यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन दे दें। निखिल भाई, क्योंकि आप बॉलर रहे, ड्रेसिंग रूम में आपको ये पता चले कि एक विकेट कीपर ऐसा टीम में चुना गया जो बल्लेबाजी करता है लेकिन कीपिंग भगवान भरोसे है, तो एज अ बॉलर तब क्या जहन में आता था, मैं नाम फेंक लूंगा किसी का, क्या जहन में आता था कि यार विकेट के पीछे तो बड़ा रिस्क खड़ा है, पकड़ी जाएगी नहीं पकड़ी जाएगी, एज अ बॉलर क्या ये होता है साइकोलॉजी की आप अगर आपको सैयद किरमानी दे दी जाए विकेट के पीछे तो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी करेंगे, कोई दूसरा विकेट कीपर खड़ा हो जो शायद किरमानी से थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे हो तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, एक गेंदबाज के लिए कीपर का अच्छा होना कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है? देखिए बड़ा फर्क पड़ता है, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, बिकॉज बतौर स्पिनर आपको पता है अगर पीछे विकेट के ऐसे शख्स खड़े हुए हैं जिनके दस्तानों का काम बहुत शानदार है तो कॉन्फिडेंस और हो जाता है। स्पिनर का आउट करने के विकल्प क्या होते हैं, आप देखिए ना, कॉट बिहाइंड होता है, स्टंप होता है, स्टंप में ये होता है कि जब आप एक बतौर स्पिनर एक बैट्समैन को हवा में बीट करते हैं वो गेंद ढूंढते ढूंढते आगे आते हैं पैर उठ जाता है, उस समय आपको एक वो ग्लव वर्क चाहिए, तभी कहते हैं ना क्रिकेट एक खेल जो है पार्टनरशिप्स का, और मैं मानता हूं बतौर स्पिनर विकेट्स निकालना एक वो पार्टनरशिप विकेट कीपर के साथ बहुत जरूरी रहता है। पर आपकी बात जो ड्रेसिंग रूम में मुझे कोई ऐसा वाक्य याद नहीं, लेकिन कोई भी एक विकेट कीपर अगर आ जाता है ना राजीव भाई टीम में तो फिर आदमी ज्यादा सोचता नहीं है, फिर एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के काम चलाते रहते हैं कि देखी जाएगी जो होगा ऊपर वाला है। सभा भाई, लेकिन एक्चुअल जो कहते हैं इंडिया में बैट्समैन विकेट कीपर ढूंढना शुरू हुआ वो 1985 के बाद आपको लग रहा है, सदानंद विश्वनाथ ने जो वर्ल्ड मिनी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हुई जब हिंदुस्तान चैंपियन बना, बड़ा कंट्रीब्यूशन था सदानंद विश्वनाथ का एज अ विकेट कीपर, बट क्योंकि बैटिंग में वो एकदम नील थे वहां से आपको लग रहा है बदलाव शुरू हुआ कि एक कीपर ऐसे ढूंढे जाने लगे जो बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करे, और इसीलिए मुझे दिल्ली के एक विकेट कीपर का नाम याद आता है मोहन चतुर्वेदी, वो इंडिया इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि बैटिंग अच्छी नहीं करते थे, क्या ये तब शुरू हुआ कि कीपर्स बहुत अच्छे आए लेकिन बैटिंग नहीं थी इसलिए वो इंडिया नहीं खेल पाए? राजीव, इंडिया कई मामले में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड रहा है अगर हम विकेट कीपर बल्लेबाज की बात करें, कई सारे हमारे विकेट कीपर्स रहे हैं जिन्होंने शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, चंद्रकांत पंडित हो गए, किरण मोरे भी जॉकी भी एक अच्छे यूजफुल मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे,
उनके भी काफी सारे रन हैं, यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद अगर आप देखें सुरेंद्र खन्ना जो बेहतरीन बल्लेबाज थे, कीपर थे, उन्होंने ओपन किया है भारत के लिए, मुझे लगता है कि रॉथमैन्स कप हुआ था शारजा में, सीरीज हुए थे, तो भारत उस हिसाब से काफी ज्यादा ब्लेस्ड रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये 80 के दशक के बाद से या फिर मिड 80s में ही ये शुरू हो गया था कि बहुत जरूरी है कि आपकी बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए, आपको हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा, और अगर आप सिर्फ कीपिंग करते हैं और बल्लेबाजी में जीरो हैं, फिर आपकी जगह बनती नहीं है। तब से कीपर्स ने भी अपने बल्लेबाजी पर काम करना शुरू किया, और ये मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है भारतीय इंडियन क्रिकेट सीन में। और राजीव, कई सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर आप अच्छे बल्लेबाज हैं तो निश्चित रूप से आपकी कीपिंग भी इम्प्रूव करेगी ही करेगी जी। ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, क्योंकि कीपिंग अंत में वो सब कुछ निर्भर करता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, और आप बल्लेबाजी से बहुत कुछ कॉन्फिडेंस अपने कीपिंग में भी लेकर जाते हैं। आप अगर रन बना रहे हैं अपनी टीम के लिए तो आपका शरीर रिलैक्स रहता है, जब भी आपका शरीर रिलैक्स है इसका मतलब है कि आप सोच भी रहे हैं सही तरीके से, आपकी बॉडी रिलैक्स है, आपका ग्लव वर्क सही होगा, आपका फुटवर्क अच्छा होगा, आपको लगेगा कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आप रन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है एक विकेट कीपर को भी। और एमएस धोनी हमारे सामने एक बेहतरीन उदाहरण है, और मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि जब एमएस धोनी आए थे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, उसके पहले भी मैंने उनको देखा है, मैं उस समय चयन करता था बिहार का, जब उनकी एंट्री हुई थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसके पहले उन्होंने अंडर 19 में ढेर सारे रन बनाए थे, और इसी वजह से उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला था बिहार के लिए, और वहां पर हम लोगों ने देखा था उनकी बल्लेबाजी जबरदस्त थी, कीपिंग ज्यादा छोड़ते नहीं थे, पर तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं थे। पर जैसे ही उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री हुई, उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, उनको ज्यादा स्पेस मिला। आप ये सोच लीजिए कि अगर वो रन नहीं बनाते और जिस तरह की शुरुआत हुई थी उनकी, मुझे याद है भज्जी ने एक बार तो उनको बहुत कुछ कह दिया था मैदान पे ही, क्योंकि आशीष नेहरा का बड़ा वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, मतलब एक दो बातें हैं, ये होता है, बड़े सम्मानजनक शब्द उन्होंने कीपर के लिए निकाले थे, पर एमएस ने चूंकि रन बनाना कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया तो आप उनको बाहर रखने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, और फिर धीरे धीरे वही कॉन्फिडेंस उनको कीपिंग में भी काम आया। इसीलिए मेरा ये हमेशा मानना रहता है यंग कीपर्स के लिए, अपने बल्लेबाजी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बल्लेबाजी अंत में आपको मदद करेगी आपके विकेट कीपिंग में। निखिल भाई, फटाफट जरा आपसे जान लेते हैं, तीन टॉप विकेट कीपर्स आपके जहन में कौन से रहे इंडिया में, और तीन अगर हम ऑल टाइम ग्रेट तीन विकेट कीपर्स की बात करें। देखिए, विकेट कीपिंग है, मैं जिनके साथ खेला कुछ अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में, सबा भाई के साथ खेला, नैन मोंगिया के साथ मैं बहुत खेला, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एडम गिलक्रिस्ट ऐसे थे जो विकेट कीपिंग अच्छा करते थे, लेकिन जिनमें वो कला थी कि करिश्माई बल्ले से वो मुकाबले आपको जिता सकते थे, तो यही मेरे जहन में। एलेक्स स्टुअर्ट मेरे एक बड़े पसंदीदा विकेट कीपर बैट्समैन होते थे, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते थे, विकेट कीपिंग करते थे इंग्लैंड के लिए, ब्रेंडन मैकलम वो अपने अंदाज में खेलते थे, तो हर अलग अलग अंदाज के अलग अलग शैली के आपको विकेट कीपर दिखे। तो सबा भाई से जानना बहुत जरूरी है, सबा भाई तीन इंडिया के विकेट कीपर, एक दो तीन, और तीन ऑल टाइम ग्रेट विकेट कीपर जिनको आप मानते हैं। अब देखिए राजीव, ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर सिर्फ अगर हम सिर्फ विकेट कीपिंग पर एक बार ध्यान दे देना, तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम ग्रेट में जहां तक मुझे याद आता है, मैं येन हीलू को बहुत ज्यादा ऊपर रेट करता हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने बेहतरीन कीपिंग की है पेस बॉलर्स के विरुद्ध भी, और उन्होंने और स्पिनर्स के खिलाफ भी, टर्निंग ट्रैक पे भी और बाहर भी, हिंदुस्तान में भी आकर उन्होंने शानदार कीपिंग की है। मुझे लगता है मैं उनको हमेशा से ऊपर रेट करता हूँ। उन्होंने जो स्टाइल लाया विकेट कीपिंग का, उसको आज भी सभी यंग कीपर्स फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मैं एलन नॉट को बहुत ऊपर मानता हूँ, और मैंने जो अपनी कीपिंग सीखी थी वो एलन नॉट की किताब पढ़कर ही सीखी थी, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई विकेट कीपिंग कोच हुआ नहीं करते थे पटना में। बॉब टेलर मुझे याद आता है, वो एक बेहतरीन कीपर थे, और बॉब टेलर की खासियत की थी कि मुझे लगता है कि उनसे बड़ा जो ग्लव वर्क है और किसी और का था नहीं, जिस तरह से बॉल उनके दस्ताने में चली जाती थी मानो कुछ आवाज ही नहीं हो रही, और ये एबिलिटी और यहाँ तक पहुंचना, उसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत कड़ी मेहनत होती है, तभी आप कर पाते हैं जब आपको स्पीड का अंदाजा हो जाए, विकेट का अंदाजा हो जाए, तभी आपकी पोजिशनिंग सही होती है, तभी उस प्रकार का साउंड इफेक्ट अगर कहा जाए तब आप ला सकते हैं। तो ये तीन हो गए ऑल टाइम ग्रेट्स में विकेट कीपर्स। हाँ, भारत में बात करें तो मुझे लगता है कि ऐसे में किरमानी का नाम जरूर ऊपर आएगा। किरी भाई वाज एन अमेजिंग विकेट कीपर, उनका भी बड़ा ही अपना ही कैरेक्टर था, अपने स्टाइल से विकेट कीपिंग करते थे, और मुझे याद नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे कैचेस या फिर विकेट उनके हाथ से छूटे होंगे। उसके बाद एमएस को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि एमएस ने कीपिंग स्टाइल में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है,
और मुझे लगता है कि स्पिनर्स के विरुद्ध इससे अच्छा कीपर मैंने अभी तक देखा नहीं है। जितना कॉन्फिडेंस ये अपने बॉलर को देता है, जिस रफ्तार के साथ वो स्टंपिंग करता है, जितने आसानी से वो बॉल को कलेक्ट करता है, उनका उसका अलग अंदाज है। और इस वजह से मैं ये दो कीपर्स को भारत की तरफ से सोचता हूँ। मुझे लगता है कि नयन मोंगिया को हम लोग रेट नहीं करते हैं, पर नयन शुड बी रेटेड वेरी हाईली एंड इन माई ओपिनियन ऑन टेरेबल ट्रैक्स इन इंडिया, राजीव टर्निंग ट्रैक्स, अनिल कुंबले के सामने, सुनील जोशी हो गए, वेंकटपति राजू हो गए, राजेश चौहान हो गए, उन सब के सामने नयन ने बेहतरीन कीपिंग की है और उसका भी ग्लव वर्क एक्सेप्शनल था, डाउन द लेग साइड कलेक्शन वाज ब्रिलियंट। तो मैं नयन को भी बहुत ज्यादा हाई रेट करता हूँ। चलिए, तो मैदान पे भले ही कीपर्स को थैंक यू ना कहा जाता हो निखिल भाई, लेकिन हम आप मिलके सभा भाई को थैंक यू कह देते हैं कि आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ शेयर किया, तमाम जो एक्सपीरियंस है एज अ विकेट कीपर आपने साझा किया, और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि और ढेरों कहानियां आपसे ऐसी सुनते रहेंगे हम लोग। निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही जो हम अगला एपिसोड लेके आएंगे उसमें हम ऑल टाइम ग्रेट टेस्ट टीम चुनेंगे, वहां पे सभा भाई अपनी टीम लेके आएंगे, निखिल भाई, और कोशिश करेंगे कि राजकुमार जी को भी जोड़ा जाए, तो ऑल टाइम ग्रेट टेस्ट टीम चुनेंगे और उसमें बड़ा मजा आएगा कि किसको कौन कितना जगह देता है। तो तीन सिलेक्टर्स होंगे आपके सामने अगले एपिसोड में जो चुनेंगे ऑल टाइम ग्रेट इंडियन टेस्ट 11। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम श्रोता और दर्शक उनका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो रोज खेल नीति के हर एपिसोड को देख सकते हैं, सुन सकते हैं ivmpodcast.com के फेसबुक पेज पर और IVM पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही हमारे हर एपिसोड को आप, यानी खेल नीति के हर एपिसोड को आप ivmpodcast.com के प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हैं। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सावन और गूगल पॉडकास्ट पर भी आप हमारी खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred, thewholetruthfoods.com, and Ciet Tires. We really do appreciate the support. So the last year's been tough for all of us, and the second wave of COVID really hit us badly. To help those affected by the pandemic in India, the podcasting community has come together under the Pod for Change banner to raise funds through an exclusive NGO partner, Give India. Join IVM and Pod for Change as we look to make a positive impact in the life of those affected by COVID-19. You can go to tinyurl.com/podforchangeindia, and remember, somebody could really use the help. And now back to the promo. On the Simplified podcast, the gang explains the oxygen crisis happening in the country and tells us the various measures being taken to tackle it. On States of Anarchy, Amsini Hariran talks about how the geopolitical relationships shaped COVID response and the world order. As Indians, we're all familiar with acid reflux or heartburn. Given the spicy food we consume, on The Habit Coach, Ashton has some simple solutions to counter that. Utsama Moria explores the iconic neighborhood of Dadar and tells us his connection to outer space in Postcards from Nowhere. It was Dungle Time on The Fighting Goat, as hosts Somesh and Arjun were joined by unbeaten MMA fighter and Commonwealth gold medalist Ritu Fogat. The traveling professor Siddharth Deshmukh shares examples of various innovations that came up during the COVID times and helped us deal with the situation. And with that, we hope to see you again next week. Do you know Tamil? Tamil Puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.